हरियाणा में हर रोज एनसीईआरटी की नकली किताबें बेचने के मामले सामने आते जा रहे हैं। कुछ मुनाफा खोर किताबों में गड़बड़ी कर अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। ऐसे में इन मुनाफा खोरों पर सिकंजा कसने के लिए सीएम फ्लाइंग की टीम एक्टिव होकर काम कर रही है। टीम जगह जगह दुकानों में छापेमारी कर एनसीईआरटी की नकली किताबें बेचने वालों पर नकेल कसती जा रही है। इसी कड़ी में सीएम फ्लाइंग ने हांसी के दो किताबों की दुकान पर रेड की। दरअसल सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली थी कि हांसी में एनसीईआरटी की नकली किताबें बेची जा रही हैं। सूचना मिलते ही टीम एक्शन में आई और लाल सड़क के नजदीक मुल्तान किताब घर में बड़सी गेट के बाहर मित्तल बुक डिपो पर टीम ने रेड की। इस रेड के दौरान सीएम फ्लाइंग के साथ एनसीईआरटी के अधिकारी भी मौजूद रहे। एनसीईआरटी की टीम ने मौके पर कुछ किताबों का सैंपल लिया और उन्हें जाँच के लिए लैब में भेजा जाएगा। ठीक है भाई, हांसी में नकली किताबें बिक रही है एनसीईआरटी की, और उसकी जांच के लिए सीएम फ्लाइंग और एनसीईआरटी की टीम ने यहां चेक की हैं किताबें। अब उनका रिजल्ट क्या रहेगा वो अपने साथ ले जा रहे हैं, वो टेक्निकल मैटर है, वो चेक करेंगे वहां लैब में, और चेक करने बाद जो रिजल्ट आएगा उसके आधार पर वो आगे कार्रवाई होगी। सीएम फ्लाइंग ने पहले भी कभी रेड लगाई थी क्या रोहतक वगैरह? सीएम फ्लाइंग की चल रही है। कौन आया था सीएम फ्लाइंग में? कौन आया है सीएम फ्लाइंग में? तो अलग अलग पूरा हरियाणा में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कौन आया है सर? यहाँ सीएम फ्लाइंग में ईश्वर सिंह है सब। और एनसीआरटी के कितने अधिकारी आए? एनसीआरटी के 3 अधिकारी। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। रविंदर जी नाम बता दो उनके एनसीआरटी अधिकारी। नाम मैं भी नहीं पता, क्योंकि अभी जो चेकिंग हुई है उसमें कुछ गलत पाया गया? नहीं, अभी कुछ नहीं बता सकते इस बारे में, क्योंकि हाँ टेक्निकल मैटर है सारा वहाँ लैब। लैब नहीं, अब कहीं जाएंगे आगे, ये तो लैब में चेक होंगी, लैब के बाद ही पता लगेगा क्या मैटर है। चेक करने के लिए हमने मुल्तान किताब घर चेक किया जी। किताबें चेकिंग, फर्दर चेकिंग के लिए हमने अपने कब्जे में ली है। कितनी किताबें ली हैं आपने? 37 के करीब किताबें हैं। इनका करिकुलम चेक करेंगे क्या करेंगे? नहीं, करिकुलम चेक करने से नहीं, इसको कि ये किताबें असली हैं या नकली हैं। अच्छा, ठीक है ना। कुछ असली नकली का कुछ पता चल नहीं? देखिए अभी अभी प्राइमा फेसिया में कुछ पता लगा? प्राइमा फेसिया में अभी तो सिर्फ शक के आधार पर किताबें जो हैं वो ली गई है इनसे, और उसके बाद जो फर्दर चेकिंग होगी, जो भी लैब टेस्टिंग होगी जैसा कि उन्होंने बताया है, उसके आधार पर अभी बुक्स को ले जाया जाएगा। फिलहाल एनसीईआरटी की टीम ने मौके पर किताबों का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। अब रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चल पाएगा कि हांसी की इन दुकानों में बेचे जाने वाली ये किताबें असली हैं या नकली। लेकिन प्रदेश में जिस तरह से एनसीईआरटी की नकली किताबें बेचने के मामले सामने आ रहे हैं, उन पर सरकार को सख्ती जरूर करनी चाहिए ताकि मुनाफा खोरों को सबक मिल सके। हांसी से संदीप सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।